के लिए चाय पराठा स्कूल। ये चाय पराठा खा के जाएंगे। उसके बाद हमने ये टिफिन के लिए तैयार किए हैं, स्लाइस स्लाइस। ये सूट मैंने कटिंग किया था तो शायद आपको दिखा चुकी हूँ। तो अभी मैंने सिलाई कर चुकी हूँ इसको, आज सिलाई की है। ये बेटी का सूट है उम्मे लैला का, तकरीबन वो 6 साल की है। स्टिचिंग करने के बाद, कपड़े सिलाई करने के बाद बच्चे स्कूल से आ गए थे, बाज़ार से रोटियां मंगवाई, उन बच्चों को खाना दिया क्योंकि गैस नहीं आ रही थी, गैस का शेड्यूल चेंज है रमज़ान की वजह से। तो बाज़ार से रोटियां वगैरह मंगा के सालन पड़ा हुआ था, बच्चों को सर्व कर दिया। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आज माशाल्लाह से हमने सुबह सहरी करने के बाद कुछ देर के लिए रेस्ट की, सो गए थे। उसके बाद उठे तो बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद इनका लंच वगैरह रेडी करके, जो आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं, वो रेडी किया। फिर उसके बाद हमारे घर पे जो स्कूल है, नीति स्कूल असेंबली होने लगी थी, तो असेंबली में हमने शिरकत की, उधर हमने व्लॉग किया। थोड़ी देर के लिए नीचे चले गए थे, तो फिर वो भी आपको हम दिखा चुके हैं। तो और सुनाएं, आप सबकी क्या ईद की तैयारी हो गई है? तो क्या आपकी ईद की तैयारी कंप्लीट हो गई है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम बनाने लगे हैं हंडिया वगैरह, किचन में जा रहे थे। भिंडी है जो दोपहर के खाने के लिए, वो आपको हमने बताया कि बच्चे स्कूल से आए थे, जो सालन पड़ा हुआ था बच्चों को, वो गर्म करके दे दिया। तो अब रोटियां बाज़ार से मंगाई, गैस की काफ़ी कमी है, किल्लत हो रही है आजकल। तो ये भिंडियाँ जो हमने धूप में, इसको वॉश करके धूप में सुखाने के लिए रखी हुई हैं, अब इनको कटिंग करके हम बनाएंगे, रेडी करेंगे। और आज के लिए हमारा इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।